अस्सलाम वालेकुम, मैं निगह शहजाद, आप देख रहे हैं मेरा चैनल रेमेडी विद निगहत। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक की रहमत से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेमेडी लाई हूँ वो बॉडी स्क्रब की है। रेमेडी की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। चलें आए रेमेडी की तरफ चलते हैं। जो मैं रेमेडी लाई हूँ ये बॉडी स्क्रब, चेहरे का स्क्रब, हर पूरे बॉडी का, फुल बॉडी का आप स्क्रब इसको बोल सकते हैं। इसके लिए मैंने ली है शुगर, वाइट शुगर, ब्राउन शुगर, जो सी भी शुगर हो आपके पास आप ले सकते हैं, चाहे वाइट हो चाहे ब्राउन हो, और लेकिन बारीक पिसी हुई ना हो, दानेदार हो। जैसे ये दानेदार है ऐसी एलोवेरा जेल है और एक खीरा है और लींबू है। चलिए इसको कैसे बनाते हैं आपको बताती हूँ। ये मैंने एक कप शुगर ली है, ये मैं एक बॉल में डाल लूँगी। एक कप से थोड़ी सी मैंने कम ली है, ठीक है। और ये कोकम्बर है, इसको मैं थोड़ा छोटा सा एक स्लाइस लूँगी, बस ज़्यादा बड़ा नहीं। और इसको मैं पील नहीं करूँगी, इसको इसी तरीके से मैं इसके छोटे पीस काट के इसको मैं ब्लेंड कर दूँगी। इसको मैं ब्लेंड करती हूँ। मैंने एक कप से थोड़ी कम शुगर ले ली और इसमें एक टेबलस्पून में खीरा ही मैंने ब्लेंडर में डाल के इसका पेस्ट बना लिया है। बहुत थोड़ा सा मैंने लिया था कोकम्बर, बस इतना, ठीक है। इसमें डलेगा हाफ लेमन, इस बीज जो है वो डाल लेते हैं ताकि बीज इसमें ना जाए। एलोवेरा डालूंगी मैं भर के 2 टेबलस्पून। बहुत ज़बरदस्त बॉडी स्क्रब बन जाएगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल है, कोई भी रोजमेरी है या लेवेंडर है, कोई सा भी एसेंशियल ऑयल है, आप उसके भी चनकतरे इसमें डाल सकते हैं खुशबू के लिए। तो मैं इसमें रोजमेरी डाल ली हूँ, 3 से 4 ड्रॉप्स बस। अगर है तो ठीक है, डालें, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप कोई भी खाली कंटेनर लें, उसमें डालें। ये बहुत ज़बरदस्त बॉडी स्क्रब बन गया। इसमें खीरा भी है, लेमन भी है, एलोवेरा भी है और खुशबू के लिए रोजमेरी ऑयल भी डाल दिया है मैंने इसमें। एक ज़बरदस्त स्क्रब तैयार हो गया है। इसको आप नहाने से पहले अपनी पूरी बॉडी का इसका मसाज करें, मसाज करके फिर आप अपनी बॉडी वॉश करें। एक महकी महकी भीनी भीनी खुशबू आएगी। लगाने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। इस तरीके से आप अपने हाथों में लेकर स्क्रब को इस तरीके से अपने फुल बॉडी पर जहाँ जहाँ आपको लगाने की ज़रूरत है इस तरीके से इससे लगाएं। देखिए इसमें शुगर भी है और खीरा भी है, एलोवेरा भी है। इस तरह लगा के पूरी बॉडी पर लगा लें आप नहाने से पहले। अगर खाली चेहरे पर लगाना चाहते हैं चेहरे पर लगा लें, नेक पे लगा लें, ये नकल होते हैं हमारे काले हो जाते हैं, इस पर लगा लें। इस तरह लगा के 4 से 5 मिनट इसको छोड़ें और फिर उसके बाद अपनी बॉडी वॉश, जहाँ पर भी आपने इसको लगाया उसको वॉश कर लें। फिर उसके बाद इसका रिज़ल्ट देखें, इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है।